आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण रेल न्यूज़। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के रीवा से इतवारी के बीच शुरू हुई नई ट्रेन का बालाघाट स्टेशन पर ठहराव नहीं दिया जाने के कारण विरोध किया जा रहा था। बालाघाट के जनपद ने इस मामले को रेल मंत्री के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाया था, जिसके बाद रेलवे ने इस नई ट्रेन का बालाघाट स्टेशन पर हट देने का आदेश जारी कर दिया है। होली के त्यौहार पर घर जाने वाली और गर्मी की छुट्टी में बाहर जाने वाली यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है। हमसफर और दुरंत जैसे ट्रेन चलाए जाने का प्रस्ताव है और कम दूरी वाले शहरों के बीच इंटरसिटी के ताज पर ट्रेन चलाने की योजना भी है। कोरोना काल में रेल का सफर यात्रियों के जेब पर भारी पड़ रहा है। रेलवे ने रेगुलर ट्रेन के स्पेशल के नाम देकर सुविधा तो नहीं बढ़ाया, लेकिन किराया में 30-40% तक बढ़ती कर दी है। ऐसा पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। कोरोना काल से पहले चलने वाले ट्रेन की जगह चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन का समय, ठहराव सब पहले जैसा है, लेकिन इसके किराया में 400 से 600 रुपया तक की बढ़ती की गई है। दुमका से रामपुरहाट के बीच इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन चलाने के लिए बुधवार को हावड़ा के रेल सुरों का आयुक्त एम चौधरी ने दुमका से लेकर सिकाड़ीपाड़ा के हरिण सिंगा तक रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। जाने से पहले उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। रेलवे से अनुमति मिलने के बाद इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। संत हिरदाराम नगर के कपड़ा व्यापारी के लिए अब सुराट जाना आसान हो जाएगा। रेल प्रशासन ने सुराट जाने वाली एक और ट्रेन का स्टॉपेज संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में संत हिरदाराम नगर के कपड़ा व्यापारियों भोपाल राजकोट एक्सप्रेस से वडोदरा होते हुए सुराट जाता है। एक साप्ताहिक ट्रेन भी स्टॉपेज पहले से ही है। हाल ही में बांद्रा मुंबई और सुराट गोरखपुर एक्सप्रेस का स्टॉपेज स्वीकृति दे दी है। रेलवे ने हरिद्वार देहरादून सेक्शन में ट्रेनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने के फैसला को फिलहाल स्थगित कर दी है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने राजा जी नेशनल पार्क में भी ट्रेनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे रखना चाहता है। हालांकि वन विभाग इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं है। इस संबंध में रेलवे के शीर्ष अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी से बात कर रहा है। संभवतः अब इस मसले का हल निकलने के बाद ही सेक्शन में ट्रेनों की गति बढ़ाई जाएगी। गया रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, इसके लिए योजना बनाई गई है। पुनर्निर्माण से संबंधित काम पूरा होने के बाद स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्वस्तरीय सुविधा प्राप्त होगा। अंतिम रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। होली के त्यौहार पर यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। त्यौहार से पहले रेलवे ने ताज और चंबल एक्सप्रेस को चला सकते हैं। रेलवे अधिकारी के मुताबिक होली से पहले लंबे समय से बंद चल रही झांसी हजरत निजामुद्दीन ताज एक्सप्रेस और हावड़ा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जा सकता है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर दो नए प्लेटफॉर्म के बनने से ट्रेनों की संख्या की कमी दूर होगी। अब 3 से 5 प्लेटफॉर्म होने से ट्रेनों की संख्या बढ़ने से राजधानी पाटना से उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। पाटलिपुत्र स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 के बीच
नया प्लेटफॉर्म बना जा रहा है। दो नए प्लेटफॉर्म का निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसके जुलाई तक पूरा होने की संभावना है। दिल्ली मुंबई और बड़ोदरा अहमदाबाद के बीच अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी है। मंगलवार को पश्चिम रेलवे के जीएम रतलाम आए, चर्चा में उन्होंने बताया कि मार्च 2024 तक 160 किमी की रफ्तार से ट्रेन चलने लग जाएगी। इसके लिए 7000 करोड़ रुपया मिली है। ये ट्रैक, कोच, सिग्नलिंग आदि पर खर्च होगा, जिसका एस्टीमेट सेक्शन हो चुका है। हर 3 महीने में प्रोजेक्ट का रिव्यू भी कर रही है। अभी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती है। भागलपुर रेल यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए जंक्शन के दक्षिण तरफ नए प्रवेश द्वार और 4 साधारण बुकिंग टिकट काउंटर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मार्च के पहले सप्ताह में नए प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। 5 मार्च को पूर्व रेलवे के महापौर अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरान इसका शुभारंभ कर यात्रियों को बड़ी सौगात देगी। महाप्रबंधक दोनों लिफ्ट का भी उद्घाटन करेंगे। अप्रैल तक सहरसा से सुपौल, सड़ाईगौर, निर्मली होते हुए दरभंगा तक ट्रेन से जाने की संभावना है। ट्रेन के चलने से मिथिलांचल के लोगों को सुविधा बढ़ने के साथ ही खर्च और समय की बचत होगी। इसके साथ ही देश के दूसरे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद आदि शहरों में जाने के लिए मिथिलांचल के लोगों को सहरसा के साथ दरभंगा भी विकल्प के रूप में मिल जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार आसनपुर कुपवा निर्मल रेलखंड का सीआरएस के निरीक्षण के बाद रेलवे बोर्ड सहरसा से दरभंगा के बीच ट्रेन चलाने की समय घोषित होगी। रांची रेलवे स्टेशन की सूरत बदल रही है। यात्री सुविधा में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। रेल यात्रियों को स्टेशन पर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसकी कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे यात्री प्लेटफॉर्म से सीधी सर्कुलेटिंग एरिया और कार पार्किंग एरिया में आ जा सकती है, जबकि कार पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया से सीधे प्लेटफॉर्म पर जा सकती है। दैनिक ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मार्च के पहले सप्ताह में पैसेंजर ट्रेन शुरू हो सकती है। इससे दिल्ली, गाजियाबाद और बरेली आदि जगह जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। सांसद सतीश गौतम ने दावा किया कि उनकी रेल मंत्री से बात हो गई है। तो आज का न्यूज कैसा लगा, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।